चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ वायर इज 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस एट 300 केल्विन. इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम. द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम 2 ओम इज. सबसे पहले देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. वो कैसे डिपेंड करता है? RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. ये टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है आर नॉट, ठीक है. और टेम्परेचर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 300 केल्विन. तो अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 300 माइनस 273, ठीक है. तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस. तो क्योंकि ये आर नॉट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी डिग्री सेल्सियस पे ये कैलकुलेट करना है आपको. तो आप पहला केस बनाओ. पहला केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस कितना है? 300 केल्विन पे, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है. तो 1 ओम इज इक्वल टू आर नॉट. आर नॉट की वैल्यू दिया नहीं है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दिया है 0.00125 इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस. 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. दूसरा केस में ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया. दूसरा इक्वेशन में 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाता है. किस टेम्परेचर पे 2 ओम का रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे होता है? सो 1 प्लस 0.00125, ठीक है, इंटू टी. इक्वेशन नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो या 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दे रहे हैं. तो 2/1 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 0.00125 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर नॉट 1 प्लस 0.00125 इंटू 27, करेक्ट है. आर नॉट से आर नॉट गया, 2 ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. 2 इंटू 1 प्लस 0.00125 इंटू 27 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.00125 इंटू टी. 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 0.00250 इंटू 27 और 1 प्लस 0.00125 इंटू टी. ये 1 इधर जाएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा. तो मैं कैलकुलेशन यहां कर लेता हूं. तो ये हो जाएगा 1 प्लस पॉइंट, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, मोबाइल के कैलकुलेटर से. रुक जाओ, आप अपना भी कैलकुलेटर यूज करके चेक कर लो क्या कह रहा है. 0.00250 मल्टीप्लाइड बाई 27 यार है 0.0675, ठीक आ रहा है ना? देख लो एक बार, चेक कर लो. और 0.00125 इंटू टी, ये कितना हो जाएगा? 1.0675, ये इधर आएगा, 0.00125, ये 5 है, इंटू ये हो जाएगा टी. तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड भी कैलकुलेटर से कर लेते हैं. क्या चेक कर लो, 1.0675 डिवाइडेड बाई 0.00125 854 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड कर दो, 854 प्लस 273 ऐड करो, कितना आएगा? 37 हो जा रहा है, ये 12 हो जा रहा है, 1 9 and 10 10 कैलकुलेशन ठीक की है ना? नहीं, कैलकुलेशन ठीक नहीं किए, कैलकुलेशन में गड़बड़ी है. देख लो एक बार, चेक करो, 3 7 12 1 10 and 11 होगा, ये गड़बड़ कर दिए कैलकुलेशन में, ठीक है. तो ये 1127 केल्विन, ये वाला आंसर सही है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.